एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और ना आज मैंने, क्योंकि है ना, मुझे आपके साथ एक वीडियो शेयर करना है, बहुत ही अच्छी ट्रिक, क्योंकि मुझे आपके साथ एक ट्रिक शेयर करनी है जो है साड़ी के पल्लू से हम किस तरह से मास्क बना सकते हैं। तो ये वाली ट्रिक मैं हमेशा फॉलो करती हूँ ना, हमेशा भूल जाते हैं स्कार्फ मास्क पहनना। तो अगर आपने सूट या साड़ी पहनी है तो ये वाली ट्रिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आई होप सो आपको आज का मेरा ये ट्रिक पसंद आएगा। तो मैं किस तरह से साड़ी के पल्लू से मास्क बनाती हूँ मैं आज आपको बताऊँगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं आज के ट्रिक को। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ और यहाँ पे देखिए, मैंने ना साड़ी को पिनअप कर लिया है, पूरा पल्लू सेट नहीं किया है, पर एक साइड से इस तरह से साड़ी को पिन लगा लेनी है। उसके बाद में देखिए, ये जो नीचे का पल्लू का साइड होता है ना, उसको आगे की तरफ ले आना है हमें। तो मैं बताती हूँ आपको, इस तरह से और कंधे के ऊपर से लेके आना है और सिर पे रखना है। सिर पे हम जैसे पल्लू लेते हैं ना, उस तरह से रखना है और कान के पीछे टक कर देना है साड़ी के पल्लू को। और यहाँ पे देखिए, पिन लगी होने से ना फिर निकलता नहीं है, तो इसलिए। और देखिए, पल्लू लाने के बाद में और इस तरह से देखिए, मैंने घड़ी कर ली है। और अगर आप लेस वाली साड़ी पहनोगे ना तो बहुत ही अच्छा दिखेगा, दिखने में भी अच्छा दिखेगा, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, मैं सेफ्टी पिन से इसको पिनअप कर दूँगी इस तरह से। और हम अक्सर भूल जाते हैं ना घर से मास्क वगैरह लेना, ये वाली ट्रिक बहुत ही अच्छी है और हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। और सेफ्टी पिन तो हर लेडीज़ के पास होती है, और दुपट्टा हो या कुछ भी हो, आप इस तरह से दुपट्टे से भी गांठ बांध सकते हो अगर आप सलवार सूट पहनते हो तो। तो ये देखिए, साड़ी का पल्लू जो है उसका मैंने आपको एक ट्रिक बना के दिखाया है। तो कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। ये फर्स्ट ट्रिक हो गई, अभी आपको मैं सेकंड ट्रिक बताती हूँ, वो कौन सी है आप देख लीजिएगा, थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी कुछ नहीं। और ये यहाँ पे देखिए, ये सेम इस तरह से, बस हमको सिर पे पल्लू नहीं रखना है, इस तरह से हमको बैक साइड से लेना, सिर्फ हमें फेस कवर करना है, सिर पे पल्लू नहीं रखना है। तो ये वाली ट्रिक भी बहुत अच्छी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अक्सर मैं ज़्यादातर करके इसी तरह साड़ी का पल्लू मास्क लगाती हूँ, पल्लू से मास्क लगाती हूँ, तो इस तरह से भी बहुत अच्छा लगता है, आप ट्राई करके देखिएगा। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये देखिए इस तरह से। और साड़ी अगर बॉर्डर वाली हो ना तो बहुत ही अच्छी लगती है, और बहुत ही, और है ना, मेरी इस साड़ी को लटकन भी है तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये वाला लुक, थोड़ा डिफरेंट भी लगता है। अक्सर स्कार्फ मास्क वगैरह बोरिंग सा लगता है, हम उसमें कभी कभी कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो ये वाली एकदम कंफर्टेबल है, ये वाली ट्रिक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कैसा लगा मेरा आज का ट्रिक मुझे बताइएगा कॉमेंट करके। तो चलो मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको मेरे आज का ट्रिक मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो चलो मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।